Y llegado. Y desde co. Mabu. Ao. Ao. Aja. आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आओ आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आओ मिठाई देंगे जल्दी आओ आओ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? ये देखिए हम दोनों कहाँ आए हैं, कहाँ है बैठ बेटा बता दो। इसका देखिए वैक्सीनेशन हो गया, हॉस्पिटल से अभी निकले हम लोग, इसका वैक्सीनेशन हो गया है। और ये देखिए कहाँ हुआ, ये मैक्स मैक्स में हुआ। और गाड़ियाँ निकला है यहाँ से, ये देखो अभी देखो कहाँ पहुँचे। बाबू चलेंगे घूमने, अब इंजेक्शन दिलवाएंगे तुमको तो तब पता चलेगा। अभी घर जा रहे हैं, देखो कैसा हो गया है। और रास्ते में अभी ट्रैफिक जाम है थोड़ा, तो इससे निकलते हैं एक बार और फिर घर पहुंचेंगे। बाबू सो गया है गाड़ी में ही, आज इसके वैक्सीनेशन में बहुत टाइम लग गया, तो अभी घर पहुंचेंगे और फिर आपको अपडेट करते हैं। अब रास्ते में इतना ट्रैफिक है क्या करें, निकलना आसान नहीं है। देखो बाबू कैसे सो रहा है, आवाज़ कर रहा है। गाइस अभी मैं आ गया वहाँ से घूम घाम के, और बहुत सारा काम था आज, इतना टायर्ड हो गया हूँ मैं, देखो मेरे चेहरे से। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना टायर्ड। और बाबू सो गया था, फिर उसको लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लेके आए। और गाइस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बताएं, पोस्ट ऑफिस गए थे आधार ठीक कराने, वहाँ भी टाइम नहीं मिला। मतलब वो जिस बंदे से ठीक कराना था वो बंदा, एक सेकंड बताता हूँ आप लोगों को, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके 5 मिनट बाद वो बंदा चला गया। तो क्या बताएं, काम ऐसा है कि आपको करना है और टाइम निकल के आदमी एक दिन वीकेंड पे टाइम मिलता है उस दिन जाता है, और वो भी नहीं हुआ। उतना मतलब कितनी देर वेट करते 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 फिर वो आया नहीं। फिर बाबू का वैक्सीनेशन था, उसमें गए वहाँ पे, मतलब वैक्सीनेशन कराने के लिए डॉक्टर वहाँ पे बिजी थे, तो उसमें बहुत टाइम चला गया। डॉक्टर आए और फिर इसको जो वैक्सीनेशन दिया उसका वेट करना था, क्योंकि कुछ चेक करते हैं कि कितने देर तक मेडिसिन मतलब ये हुआ, तो उसके लिए भी टाइम लग गया। तो वो भी एक, उसके बाद एकदम टायर्ड हो गया, मैं खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, बस सीधे घर आया, क्योंकि इतने देर वेट करने के बाद आदमी क्या कर सकता है आप ही बताओ। तो परेशानी बहुत रहती है वीकेंड पे, तो भाई काम इतना सारा पेंडिंग रहेगा तो होगा ही। और गाइस आप लोग कैसे वीकेंड एक प्लान करते हो बताना इसमें कमेंट करके, और जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं उनको थैंक्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ आप लोगों का, बस ये इनक्रेजमेंट मिलता रहे, मैं ऐसे ही आगे मतलब ब्लॉग डालता रहूँगा। अच्छे अच्छे भी कर सकते हो, मैं इम्प्रूवमेंट के लिए बोलता हूँ, मैं कमेंट कर दिया करो, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर डालूँगा। फिलहाल वीकेंड है आज, देखते हैं क्या प्लान बनता है, जैसा होगा वैसा करेंगे। इधर देखो इधर देखो इधर देखो एक और इधर देखो, अरे लड़का भागा भागा, ये लड़का भागा 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 भागा, आ जा आ जा, 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 जा। ये कुछ बोल दे, चोट लग गया लड़के को, कहाँ चोट लगा लिया बेटा बता दे, तो बता दे, मुंडी में मार दिया, ये कहाँ मार दिया, चोट लगा लिया ना, तो बहुत ही गंदा बात।
अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या करना है बताओ अभी? अरे हम खाना खा लिए ना, हम लोग खाना खा लिए ना बेटा, खाना खा लिया हम लोग, अब चलेंगे हम लोग सोने, नहीं चलेंगे बता दो। ऐसे ही तो लड़ा लिया तुम, ऐसे मत चिराओ, चोट लग जाता है तुमको, समझ गया? चलेंगे पिपिया गाड़ी पे घूमने, बताओ बताओ चलेंगे बाबू, बोल दो एक बार। देख इधर इधर देख, ऐसे नहीं लड़ाते मुंडी इसमें, कहीं भी चोट लग जाएगा। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, इतना खुश है लड़का, क्या कर रहा है, खुश क्या कर रहा है, ऐसे मुंडी लड़ा लेगा फिर चोट लगेगा। चलो रूम में खेलते हैं हम लोग, कौवा उड़ाएंगे और कबूतर उड़ाएंगे और खेलेंगे। टीवी बंद कर दो, टीवी में बहुत आवाज़ आ रही है। कॉकरोच निकला है घर में, कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आया, देख लो एक कॉकरोच, बोल दो मम्मी को कॉकरोच काट लेगा, बोल दो एक बार, बोल दो, बता दो कहाँ चोटू लगाया तुम, यहाँ कहाँ चोटू लगाया है बेटा मेरा, कहाँ लगाया, इधर इधर देखो एक बार, बोल दो तो, नहीं 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 लगाए, बोल दो, एकदम हल्का सा लगा लिया है चोट, कोई नहीं नहीं, मम्मी को बोल दो आइस पैक से कर देगी। इधर आ जा, बैठ के आओ, बैठ के हम लोग खेलते हैं ना, कबूतर उड़ाते हैं ना बेटा, आ जा कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, एक उड़ाएं कबूतर, इधर इधर देखो कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।